आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद सोनिया। और कैसे हैं आप सब? एनी फैन फैम के भी व्यूअर्स देख सकते हैं क्योंकि एनी यहाँ पर मेरी हेल्प करेंगे। एक्चुअली एनी को ही खाना था पिज़्ज़ा, तो वो ये नॉर्मली आटा ले आई है उठा के कि मुझे जी पिज़्ज़ा बना कर दें। अब मैं फिर उनको कोशिश कर रही हूँ कि हम तवा पे पिज़्ज़ा बना सकें। और कोई चीज़ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है घर में उन दिनों के लिए जब आपके पास बिल्कुल भी कुछ ना हो। तो यानी बॉईल की हुई थी छोटी छोटी सी बोटियाँ, और ये बिल्कुल ही कम है, ये वाकई कम है। लेकिन हमने इनको मैरिनेट कर लिया है, हमने इनको विनेगर लगाया है, सोया सॉस लगाया है, हमने इनको बारबेक्यू सॉस लगाया है, नमक और सॉल्ट मिर्च पाउडर लगाया है हमने इनको। और यहाँ पर मैंने अनियंस छोटे छोटे से काट लिए थे और ग्रीन जो चिलीज़ हैं वो काट ली थी, और एनी चीज़ को ग्रेट करी हैं, बहुत ही फ्रोज़न है। अर्जेंट नोटिस पे यानी को याद आता है कि मेरा ये दिल कर रहा है खाने का, तो अभी हम लोग इनको ये चीज़ें ग्रेट कर लेते हैं और ये सारा कुछ मैस जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब हम स्टार्ट करेंगे। इसकी रोटी हमने बेल के तैयार कर ली है, ये हल्की सी मोटी है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे और एक साइड को थोड़ा सा कुक होने देंगे। तो दूसरी ये देखिए, मैंने केचप में, यहाँ पे मैंने केचप में रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। नूर को स्पाइसी बहुत पसंद है, फिर भी पता नहीं किस तरह का बनेगा, पर हम ट्राई तो कर रहे हैं। ये तो रोटी है। ये देखिए हमने इसको, कुछ नजर ही नहीं आ रहा और डाले। एक मिनट, ये हो चुका है, अब हम इसकी साइड पर रख देंगे। हमें बस इतना ही करना था इसको। फ्रेंड, आप लोगों ने नूडल्स ट्राई किए हैं? कभी ना करिए, कभी मेरी तरह हाल हो जाएगा। फोक की हेल्प से हम इसको प्रेक कर लेंगे पूरी इसको, ताकि ये फोक या हाथी अच्छे से इसके अंदर तक वो चला जाए। आंच जो है वो आपने बिल्कुल 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 स्लो रखनी है। मैं टेस्ट कर लूं, आपका पिज़्ज़ा स्पॉइल हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं आएगा। चलो यानी ये लगाएं। अरे मेरे हाथ जा जाएंगे, आप मुझे क्या काम कह रही हैं करने के लिए। चलें, आपने अच्छे से इसको फैलाना है। मुझे लगता है कैसे थोड़ी हो रही है। अभी आप इसको करें ना, देखिए कितनी अच्छी हो गई। ओके जी, तो ये सॉस हमने लगा ली है। वन सेकेंड, इतनी क्या डाल रही है। दरमियान में ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। नाउ विल पुट दिस चिकन ऑन इट। आई पुट, ओके हम लोग साथ ही है अनियंस। फ्रेंड्स, स्कूल्स लगने वाले हैं और आप अपने बच्चों के साथ जितने भी दिन हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज करें तो बहुत इन्जॉय करेंगे बच्चे भी और आप भी। आपके लिए भी मेमोरेबल होगा ये कि बच्चे जब घर थे आप उनके साथ बहुत इन्जॉय किया करती थी। तो ये ग्रीन चिलीज हैं जो कि मैं डाल दूंगी इस पर, ठीक है। एनी का बहुत हंसी आ रही है। अब ये चीज़ है ग्रेटेड शेडेड चीज़ है, आप ना इसमें मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनी फैम एंड कुक विद सोनिया। दोनों चैनल्स पर ही ये वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फेसबुक पे भी मेरे पेज पर ये अपलोड होगी। तो प्लीज़ फॉलो अस, लाइक आवर वीडियो एंड डू सपोर्ट अस। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है ऑरेगानो है, तो मैं इसको जो है वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। इसको फिर हम कवर कर देंगे और तकरीबन 10-12 मिनट्स के बाद हम इसको खोलेंगे, जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाए, रोटी अच्छी तरह से पक जाए,
तो फिर हम आप मिलते हैं, हम इसको रोल बना के खा लेंगे। ओके जैसे भी खाएंगे। और इट्स डन, इट्स डन, नो प्लेट, ठीक है। हम अब इसको निकालते हैं। गाइस पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। एनी बहुत मजे का, आप लोगों को ऊपर से पता लग रहा होगा और खाने में उससे भी ज़्यादा मजे का। और आप लोग मेरे घर में ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।